अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर विशु चक्रवर्ती और एक अन्य पर फायरिंग कर घायल करने मामले में फरार चल रहे दो अभियुक्त को पुलिस ने छापेमारी कर किया गिरफ्तार। एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में पुलिस भेजी जेल। बता दें कि धनबाद जिले में अवैध कोयले कारोबार चरम पर है। अब इसमें वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष भिड़ंत के साथ एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने से पीछे नहीं रह रहे हैं। बरोरा थाना क्षेत्र के फुलारी टांड में 10 अक्टूबर को अवैध कोयले कारोबार में वर्चस्व को लेकर विशु चक्रवर्ती और बिकी वर्मा पर जानलेवा हमला बाइक सवार अपराधियों ने किया था। दोनों पर फायरिंग कर किया गया था। घटना में फरार चल रहे बिलासपुर में रहने वाले सगे भाई भरत मातो, कन्हाई मातो को पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार की। दोनों के निशानदेही पर घटना में उपयोग की गई हथियार, एक देसी कट्टा, ऑटोमेटिक पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दोनों हथियार कारतूस को जब्त कर लिया गया है। घटना में शामिल भरत मातो और कन्हाई मातो सगे भाई को देसी कट्टा, ऑटोमेटिक पिस्टल और 15 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक नामजद और 3 अन्य सभी फरार हैं। इस घटना में शामिल 3 अभियुक्त रवि पासी, विनोद बावरी और विंदा केवट को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष का कारण आपसी लेन देन था। ऊपर कन्हाई मातो, भरत मातो और उनके साथ 4 जो है सो उनके साथियों के साथ उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी। इस आलोक में 2 लोगों को जो गिरफ्तारी के डर से भागे फिरे चल रहे थे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के पश्चात उनसे पूछताछ की गई तो उनके निशानदाही पे एक ऑटोमेटिक पिस्टल जिसके मैगजीन में 9 राउंड गोली लगा हुआ है और एक देसी कट्टा जिसके साथ 6 चक्र गोली है बरामद किया गया है। इन्होंने बताया कि इसी ऑटोमेटिक पिस्टल से और देसी कट्टा से फायरिंग की गई थी जो कि उन लोगों को लगा भी था। इसमें सर कितने अभियुक्त हर कितने की गिरफ्तारी हो गई है? 6 नेम्ड अभियुक्त के ऊपर FIR की गई थी जिसमें कि 3 लोगों को पहले भेजा गया था और 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 3 लोग अभी भी गिरफ्तारी के डर से भागे फिरे चल रहे हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कन्हाई महतो और भरत महतो, अभी जिसको गोली चलाई गई थी उसका भी क्या स्थिति है? विशु चक्रवर्ती अभी वो ठीक है, हॉस्पिटल से आ गया है, अपना रिकवरी कर गया। इसे वारदात का मूल कारण क्या था, कुछ पता चला जांच में? इन लोगों का पहले दोस्ती था, किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, उसी झगड़े के रंजिश में जो है वो गोली चलाई गई थी।